नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। तो आज हम लोग आप सभी के समक्ष न्यूज हेडलाइंस लेकर उपस्थित हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के न्यूज हेडलाइन से। प्रणव लैब दरभंगा स्टूडियो वाली तमाम कामें उपलब्ध। इस कोरोना काल के बीच 20 कॉपी पर 10% की छूट। फोटो कॉपी प्रति पेज मात्र 1 रुपए। कॉन्टेक्ट नंबर 7667175757। बिहार के 17 जिलों में आज हो सकती है तेज बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। कोरोना से अनाथ बच्चों की मदद करेगी नीतीश सरकार। हर महीने मिलेंगे रुपए, योजना हुई लागू। गांव नीतीश का चाल, कुशवा की ओर निशाने पर केंद्र, आरक्षण पर पॉलिटिक्स अनलिमिटेड। मुजफ्फरपुर बना दो पहलवानों की ताकत का आजमाइश का अखाड़ा। जनता क्या होगा। बीजेपी ने सबसे अधिक 54 करोड़ किए खर्च, तो जेडीयू ने कमाए 55 करोड़। आरजेडी ने नहीं दिया ब्यूरो। नीति आयोग की रिपोर्ट, विकास के मामले में केरल नंबर 1, बिहार सबसे फिसड़ दी। लालू ने सीएम नीतीश को अपने अंदाज में दे दी व्यंग की बधाई। पहले भी कर चुके हैं नोबेल पुरस्कार की मांग। बंगाल के लिए बिहार से उठी आवाज। 5 पद्मश्री शख्सियत और 20 बुद्धिजीवी ने राज्यपाल को लिखा 13 पॉइंट का लेटर। हिंसा पर कार्रवाई की मांग। सरकार का बेदुख फैसला। प्रदेश के 11 लाख परिवारों का सरसों का तेल बंद। गर्मी में बाजार बांटेगी सरकार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 44 करोड़ ग्राहकों को किया अलर्ट। 30 जून के बाद नहीं चलेगी पैन कार्ड। जाने आगे विस्तार से। नमस्कार मिथिला, आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट 5paisa.com के साथ। शेयर और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करो। 0% ब्रोकरेज, सिर्फ 20 रुपए प्रति ऑर्डर की फी दो। एक्सपर्ट रिसर्च और एडवाइस पाओ। लाइटनिंग फास्ट प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करो। विजिट 5paisa.com और डाउनलोड द 5paisa मोबाइल ऐप। आज ही 5paisa के साथ फ्री डीमैट अकाउंट खोलो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तभी मैं जल्दी करता है, जल्दबाजी नहीं। चल। निश्चिंत होके सारे पेमेंट कीजिए बैंक और गूगल पे की सिक्योरिटी के साथ। डाउनलोड गूगल पे। नमस्कार मिथिला, आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे। बिहार के 17 जिलों में आज हो सकती है तेज बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। राजधानी पटना सहित बिहार के 17 जिलों में गुरुवार को 1-2 जगह पर तेज बारिश हो सकती है, जबकि बाकी जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी और दक्षिण मध्य बिहार में अगले 24 घंटों में आंधी पानी के आसार हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में आंधी पानी की स्थिति देखी गई। पटना में मंगलवार की दोपहर में 1 मिनट तक 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी के बाद यह अनुमान है कि तापमान बढ़ने की स्थिति में राज्य में अन्य जगहों पर इस तरह की हवा और बारिश की स्थिति बन सकती है। कोरोना से अनाथ बच्चों की मदद करेगी नीतीश सरकार। हर महीने मिलेंगे रुपए, योजना हुई लागू। कोरोना से मृत माता पिता के अनाथ बच्चों के लिए बाल सहायता योजना गुरुवार से पूरे राज्य में लागू हो गई। समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक रमेश झा ने योजना को लेकर अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना के अनुसार कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए बेहतर पालन पोषण, आवासन एवं शिक्षा के लिए अनुदान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक नई योजना बाल सहायता योजना लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना के तहत योग्य बच्चों को जो गैर सांस्थिक व्यवस्था अपने अभिभावक के साथ रह रहे हैं, उनको 18 वर्ष पालन पोषण के लिए 1500 रुपए प्रति मास देय होगा। योजना का लाभ लाभुक और पालक परिवार के कर्ता के संयुक्त बचत बैंक खाता में दिया जाएगा। SBI ने 44 करोड़ ग्राहकों को किया अलर्ट। 30 जून के बाद नहीं चलेगा पैन कार्ड। जाने बैंक ने क्या दी सलाह। अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 44 करोड़ ग्राहकों को अलर्ट किया है। बैंक ने एक अलर्ट ट्वीट चेताया है कि 30 जून से पहले ग्राहक अपना पैन और आधार लिंक करा लें, वरना बाद में ट्रांजैक्शन में दिक्कत हो सकती है। आधार को पैन से जरूर करें लिंक। SBI ने ट्वीट कर अपने कस्टमर्स को जानकारी दे दी है कि आधार और पैन को लिंक कराना अनिवार्य है। अगर पैन और आधार को लिंक नहीं किया जाता है तो पैन इनएक्टिवेट हो जाएगा और ग्राहकों को ट्रांजैक्शन में दिक्कत आएगी। पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून है। प्रदेश के 11 लाख परिवारों का सरसों का तेल बंद। गर्मी में बाजरा बांटेगी सरकार। प्रदेश सरकार ने जून मास में राशन कार्ड धारकों के लिए अनूठा फैसला लिया है। सरकार डिपो पर मिलने वाला सरसों का तेल बंद कर दिया और गर्मी में बाजरा बांटा जाएगा। का बड़ा कारण सरकार के पास तेल निकालने के लिए सरसों नहीं है और महंगे दामों पर खरीदा बाजरा गले में फांस बन चुका है, जिसे ठिकाने लगाना है। किसानों से सरकार ने 7 लाख टन बाजरा खरीदा था। 4 लाख टन ओपन मार्केट में 600 रुपए प्रति क्विंटल कम रेट में बेच दिया है। इससे 600 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। सरकार की विदेश में बेचने की योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। नमस्कार मिथिला, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही कुछ मुख्य खबर लेते हुए, ऐसे ही कुछ मुख्य समाचार लेते हुए। साथ ही आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें। खबर विज्ञापन के लिए संपर्क करें 6272356000। फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को, फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम पेज को, ज्वाइन करें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप। इस सब का लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। इस महामारी कोरोना संक्रमण के बीच आप सभी को यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई काम की आवश्यकता ना पड़े तो आप अपने घर से बाहर ना निकले। अगर आप कोई भी काम की आवश्यकता से घर से बाहर निकलते हैं
तो हमेशा मास्क पहनकर हैंड सैनिटाइजर लेकर निकलें और अपने सामाजिक लोगों से हमेशा दो गज की दूरी बनाए रखें, जिससे कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज़। नमस्कार मिथिला।